माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, रेणु देवी जी, संतोष कुमार सुमन जी, एनडीए के उम्मीदवार श्री विवेक ठाकुर जी, यहां उपस्थित एनडीए के सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष, सभी अनेक माननीय सांसदगण, विधायकगण, एनडीए के सभी नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज लोकसभा के चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि वे यहां पधारे हैं और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप सब जानते हैं कि जरूर विवेक ठाकुर जी भारी मतों से जीतेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री, हम सबसे अनुरोध करना यही चाहते हैं और हम लोग भी इसी के प्रचार प्रसार में आप लोगों के बीच में आए, सब जीतिएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है, अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं और उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए कि बिहार में भी बहुत तेजी से काफी विकास हो रहा है और याद करिए कि जब हम लोग 2005 में आए थे और 2006 से जो सारा काम शुरू हुआ, वो तो नवंबर में हम लोग आए थे लास्ट में, 2005 का तो एक ही महीना और 2-3 दिन, और पूरा का पूरा 2006 से जो काम हुआ खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए हैं। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था पांच के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे, अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि पांच से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और छह के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था, आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत, हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत भूलिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। अब क्या काम किए थे, कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए, और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए, और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था और उसके बाद हम लोगों की सरकार ने कितना काम किया है यहां पर, पांच से ही, सौ से ही शुरू जो किया, और कितना होता था, कितना विवाद होता था पहले, और कितना झगड़ा होता था आपस में, कितना झगड़ा, और हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि छह के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है, और पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे, भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत।
और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए, काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया था, तो आप भूलिएगा मत, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा सब काम हो रहा है। आप पहले क्या हाल था भाई, स्वास्थ्य का क्या हाल था, आप जरा बताइए ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले क्या हाल था, भूलिए मत। एक महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 39 लोग आ जाते थे, किसी दिन एक आदमी, किसी दिन दो, यह हालत था, किसी का इलाज नहीं होता था। और अब कितना बढ़ गया, अब एक साल में 1000 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए। तो जो समूचा काम किया हम लोगों ने 6 से ही, और इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी, हम लोगों ने न सिर्फ इलाज का व्यवस्था किया लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको जो कुछ भी इलाज करने में दवा की जरूरत है, जो कुछ भी होती है, वो सब का इंतजाम राज्य सरकार ने करवाया था। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं। और कितना ज्यादा पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो हम लोग कितना कर दिए, हिंदुओं के भी उत्थान का, मुसलमानों का भी। आप समझ लीजिए 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी किया है, 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है, और भी कुछ हो रहा है, इसके लिए 9000 के करीब तय कर दिया गया बाद में, और भी चल रहा है, बाकी का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चार दीवारी कर रहे हैं, बहुत लोग चोरी कर लेता है अंदर जाकर के मूर्ति से, तो उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो हर तरह का काम तो हम लोग किए हैं, इसको भूलिएगा नहीं। के मंत्रिमंडल के तमाम साथी, मेरे मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी मौजूद, यहां पर हमारे गठबंधन के तमाम पदाधिकारी साथी, साथियों, आज जहां एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई और महज 12 दिन के बाद प्रथम चरण के चुनाव का मतदान होना है, ऐसे में आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला चुनाव निर्धारित करेगा हम लोग के आने वाले 5 साल का भविष्य, और हम लोगों को ये याद रखने की जरूरत है कि आज से 10 साल पहले के चुनाव सिर्फ हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे देश को बांटने की राजनीति के आधार पर होते थे। ऐसे विवादित विभाजनकारी मुद्दों को उठाया जाता था जिससे समाज में बंटवारे की राजनीति को साधा जा सके, भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो या विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन मुद्दों का समाधान करने का कार्य किया, और आज अगर चुनाव में बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, यहां पर विकास के कार्यों को गति देने की बात होती है। साथियों, आज इस मंच से मैं सिर्फ हमारी तमाम माताओं से, बुजुर्गों से और खास तौर पर मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों से आग्रह करूंगा, भारत एक युवा देश है, बिहार एक युवा प्रदेश है, लगभग 65% बिहार में ऐसे युवा हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। पहचानिए अपनी ताकत को, अगर बिहार के युवा एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे बिहार के युवाओं की ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी हम युवाओं में भेदभाव नहीं किया, किसी को अगड़ा, किसी को पिछड़ा, किसी को हिंदू, किसी को दलित, ये नहीं सोचा, सबको साथ लेकर चलने की बात की, सबके साथ की, सबके विकास की, सबके विश्वास की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की।
आज अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसको हम लोग को मजबूती देने की जरूरत है, हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, हमारे मुख्यमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, आदरणीय जीतन राम मांझी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने की जरूरत है, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित बिहार, एक विकसित देश का सपना देखा था जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा करने में लगे हुए हैं। आप सबसे आग्रह है, आज जब प्रधानमंत्री जी बिहार की इस धरती में है, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय बिहार।